इन ट्रेंगल ए ई सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ये इसका ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये हो गया नंबर एक बाई पाइथागोरस। ठीक है, नंबर वन है। अब बी डी को देख लो, ये बी डी ए वाला है तो सिमिलरली इन ट्रेंगल बी सी डी एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तो बी डी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर नंबर टू, ये बाई पाइथागोरस यही लग जाएगा। अब इसको ऐड कर लें, यहाँ पर एडिंग वन एंड टू, वन एंड टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये आपका हो गया नंबर तीन। अब यहाँ पे देखें, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अब इसके बराबर लाना है। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ये इस ट्रेंगल ले लो ना, इन ट्रेंगल ए सी डी ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस। ठीक है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। इन ट्रेंगल डी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये नंबर फाइव हो गया। यहाँ भी यही आ जाएगा, एडिंग फोर एंड फाइव, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये हो गया नंबर सिक्स। ये देखिए, ए इन दोनों का ये आ गया, और वो यही सेम चीज यहाँ आ गया, और ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने किसके बराबर प्रूव किया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, कहाँ से, फ्रॉम थ्री, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव किया तो इसके रिप्लेस पे हमने इसको पुट कर दिया, और इसको सीधा कर लो तो यहाँ पर ए पहले है, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और हेंस प्रूव हो गया।